सब्सक्राइब कीजिए काबूम टेक्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, इस वीडियो बताने वाला हूँ मैं कमांड ऑब्जेक्ट के टूल्स के बारे में। टूल्स का स्टार्ट कर रहा हूँ, इसके अंदर एक एक करके एक एक टूल के बारे में बताऊंगा। ये वीडियो है मॉर्फ जो होता है बटन, ये किस लिए यूज होता है, ठीक है। इस वीडियो में मॉर्फ के बताऊंगा और फिर जाके अगले वीडियो में शटर के बारे में बताऊंगा। हर एक अलग अलग वीडियो बनेंगे, तो इस वीडियो में बता रहा हूँ मॉर्फ के बारे में। तो फिर अगर आपको जानना है मॉर्फ किस लिए यूज होता है तो ये वीडियो देखते रहिए और सीखते रहिए। ओके, तो फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम लोग को कुछ एक सिंपल चीजें बना देनी है जो काफी इजी है। बॉक्स को आप भी समझते हो, बॉक्स इजी तरीका है। और एक बना देते हैं हम लोग स्पीयर, ठीक है, समझाने की। और अभी जैसे कि ये बॉक्स है और ये स्पीयर है दोनों का, फिर और इन दोनों के सेगमेंट भी काफी अलग अलग है। ओके, और अगर मैं क्या करता हूँ, ये बॉक्स का कॉपी कर लेता है, यहाँ पर एक और बॉक्स को कॉपी बना दिया, ठीक है, कॉपी बनाया मैंने, इंस्टेंस नहीं किया, कॉपी बनाया, ठीक है। ये एक और स्पेयर को कॉपी बना दिया यहाँ पर। ओके, डन। फिर अगर मैं इस बॉक्स के अंदर मॉडिफाई करके इसके अंदर कुछ चेंजेस करता हूँ, ठीक है, इस बॉक्स के अंदर या फिर इस बॉक्स के अंदर, या फिर चलो इसको करते हैं एडिटिंग कॉली और इसके अंदर करते हैं कुछ चेंजेस। इसके अंदर मैं उसका शेप चेंज करूंगा, उसका शेप में ऐसे करूंगा, ठीक है, ऐसा कुछ शेप बना दिया इसका। और कुछ साइड से मैं थोड़ा सा इसको इस टाइप से अजीब सा हो जाता है, मगर इसके अंदर कोई भी हम लोग को सेगमेंट्स ऐड नहीं करने हैं, ये हम लोग को ध्यान रखना है, हम लोग को सेगमेंट को ऐड नहीं करना है, ठीक है। सेगमेंट जितने हैं उतने ही सेगमेंट रखने हैं और सेगमेंट कम या ज्यादा नहीं होने चाहिए, नहीं तो क्या है उससे ये मॉर्फ यूज नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मैं इसका चलो ऐसे करते थोड़ा टेढ़ा मिल गया ऐसा, ये थोड़ा सा लंबा हो गया, ओके डन। और एक तो चलो ये शेप ऐसा हो गया और स्पेयर का भी मैं शेप चेंज कर देता हूँ समझने के लिए। इसमें आप देख सकते हो कि मैं शेप चेंज कर रहा हूँ, मगर जाके मैं कुछ सेगमेंट्स में ज्यादा चेंजेस नहीं कर रहा, बस शेप में मैं थोड़ा सा, मगर जाके ऐसा नहीं कर रहा कुछ सेगमेंट बढ़ जाए, मैं एक्सट्रूड नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक एक वर्टेक्स को खींच रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो डायरेक्टली मैं एक एक वर्टेक्स को यहाँ पर खींच रहा हूँ, ठीक है। मैं एक्सट्रूड नहीं, एक्सट्रूड करने से क्या होता है एक और सेगमेंट ऐड हो जाते हैं, तो एक्सट्रूड कमांड यहाँ पर यूज नहीं होता, ठीक है। तो आपके लिए क्या होना चाहिए, सेगमेंट्स यानी कि जितने भी सेगमेंट्स है जितने भी इसके अंदर वर्टेक्स है सबके सब सेम होना चाहिए, नहीं तो क्या ये बहुत सही से नहीं करेगा, ठीक है। तो अभी क्या है कि अभी दिखाता हूँ कि कैसे होता है ये वर्क। जैसे कि मैंने बॉक्स को लिया, बॉक्स के अंदर गया, फिर यहाँ पर यूज करता हूँ कंपाउंड में ऑब्जेक्ट में और इधर पर यूज करता हूँ मॉप, ठीक है, मॉप। और क्लिक किया मैंने यहाँ पर, और क्लिक करते ही यहाँ पर देख सकते हो कि जो मेरा बॉक्स था बॉक्स का नाम यहाँ पर लिख के आ गया है, ठीक है। बाकी इसके अंदर ये सब होते हैं, रेफरेंस करना है, कॉपी करना है या इंस्टेंस रखना है या फिर मूव करना है, ठीक है। तो फिर मैं तो फिलहाल तो इंस्टेंस रख रहा हूँ, तो अभी क्लिक करते हैं, क्लिक कर लिया। अभी क्या होगा, इंस्टेंस करने से क्या होगा, अगर मैंने इसके अंदर कुछ भी चेंजेस किया तो ये ऑटोमेटिकली इसमें भी चेंजेस हो जाएगा। अभी भी इसके अंदर आप बोलूँ तो इंस्टेंस हो गया, ऐसे ऐसे क्या हो गया, ये तो कॉपी जैसा हो गया, ठीक है, इसी का कॉपी यहाँ पर बन के आ गया, यानी बॉक्स का कॉपी बन गया। इस तरह से भी यूज कर सकते हो, या फिर मॉर्फ का यूज एक यहाँ पर भी होता है, अगर हम लोग इसका जो ये की है नीचे की तरफ जो एनिमेशन की तरह इसको यूज करते हैं, इसको अगर मैं रख देता हूँ 50 के यहाँ, जो हम लोग का होता है ये की का जो होता है टाइमर, ये जो टाइमर स्केल है उसको मैं करता हूँ 50 की तरफ, और फिर से मैं इधर पिक करता हूँ अपने इस वाले इसको, ठीक है। इधर पे आप देख सकते हो इसके अंदर ये जो ब्लैक कलर, इधर पे भी ब्लैक कलर का एक की बन गया है। अगर मैं इसको ऐसे प्ले करता हूँ, देखिए ये मॉर्फ हो रहा है, यानी कि ये क्या हो रहा है, एक एनिमेट हो गया, यानी कि शेप में चेंज हो रहा है, ठीक है, एक तरह का एनिमेशन बन गया। यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर मैं इसकी की को मैं
शिप करके 100 तक लेके जाऊं, ये 100 पर आके फिर से स्टार्ट हो, ठीक है। अगर मैं इसको 100 पे नहीं, अगर मैं 50 पे रखता तो क्या होता, 50 पे जैसे ही आता वैसे खत्म होके खत्म। ओके अभी चलो ये तो ठीक है, चलो इसने वक्त कर लिया। अगर ये स्पेयर पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, मगर स्पेयर के ऊपर नहीं अप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि स्पेयर के ऊपर क्यों नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि अभी यहाँ पर देख सकते हो इसका सेगमेंट अलग है, क्योंकि इसका इसका सेगमेंट एक ही जैसा था। अगर मैं अभी एक और इसी बॉक्स का एक और कॉपी बनाता हूँ, ठीक है, एक और कॉपी बना के इसके अंदर एक और नई चेंजेस करता हूँ मैं, उसको अल्टर फॉलो करके, इसके अंदर कुछ ज्यादा चेंजेस मैं नहीं करने वाला, उसको मैं थोड़ा सा ऐसे लंबा कर लेता हूँ, यानी कि यहाँ पर देख सकते हो ये अभी ज्यादा इसका लंबा हो गया। ओके अभी यहाँ पर मैं क्या चीज करूंगा, अभी ऐसे बॉक्स बन गया, ठीक है। अभी इसके आगे क्या होना चाहिए, अभी यहाँ पर इसका चीज खत्म हो रहा है, इसके आगे क्या होना चाहिए, ये ऐसा बनना चाहिए। तो इसके अंदर मॉर्फोल में टिक करता हूँ, टिक टारगेट ये वाला बॉक्स, अभी क्या होगा, अभी ये छोटा होके बड़े वाले बॉक्स में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इस तरह से एक एनिमेशन बनता है, ओके ये समझ में आ गया आपको। अभी इसके अंदर भी अभी ये तो चलो समझ में आ गया, इसको राइट क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लोग इसको इसके अंदर कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। तो इसको भी मैं ऐसे करता हूँ, इसके अंदर मैं यूज करता हूँ माउस और क्लिक करता हूँ, क्लिक टारगेट, मैं ये टारगेट को क्लिक किया। अभी इसका देखो की मैंने कहा रखा था 80 पे, तो 80 पे जाते आते ये ऐसे प्रॉपर बन गया। अगर मैं इसको रखता हूँ 40 पे, जैसे 40 पे आते 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 ये प्रॉपर फेट हो जाएगा। अभी इसके अंदर एक और चीजें हम लोग क्या कर सकते, ठीक है, एक और मैं इसका कॉपी बनाता हूँ, यानी इसी इसका, ठीक है, इसके ऊपर एक और कॉपी बनाते ऐसे रख लेता हूँ, ठीक है। इसका एक और कॉपी बना लिया और कॉपी बना के मैं इसके ऊपर चेंजेस करता हूँ टेबल क्वालिटी में, इसका ये सिलेक्ट करके इसको करता हूँ ग्रो। ग्रो करने से क्या होता है, सिलेक्शन करती है, पिंक करने से सिलेक्शन करती है, ठीक है, और उसको करता हूँ ठीक है। वैसे अभी क्या होना चाहिए, चलो अभी ये बन गया ऐसे खाचा बन गया, यानी कि ये तीर पे जैसा बन गया। अभी ये कन्वर्ट होना चाहिए, जैसे यहाँ पर ये टाइम पे आके फिर उसके बाद कन्वर्ट होना चाहिए, ये हो जाना चाहिए इसमें, इसको साइड में करता हूँ इसमें, ठीक है, जब ये 80 पे आ जाए, यानी कि जैसे ये टाइमिंग खत्म होगा वैसे ये 80 पे आते 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 90 पे आते आते ये इसमें कन्वर्ट होना चाहिए। चलो टिक करते हैं इसको, तब यहाँ पे देखोगे, चलो देखते हैं कैसा आउटपुट आ रहा है, वाह क्या बात। प्ले करते हैं, ठीक है, मॉर्फ का यही यूज होता है, मॉर्फ से हम लोग जाके उसको एनिमेट कर सकते हैं कुछ किसी अलग शेप में चेंज होते हुए, मॉर्फ का यूज यही होता है, ठीक है। मॉर्फ को ऐसे ऐसे भी यूज करते हैं कि अगर मान लो एक फेस से खुला हुआ एक फेस से बंद, ठीक है, तो उसको मुंह हिलाने के लिए भी काम में लेके आया जा सकता है, यानी आंख के पलक हिलाने में भी काम लेके आया जा सकता है, ठीक है, उस जगह पे भी यूज किया जा सकता है, और मुंह फुलाने के काम में लेके, जैसे मुंह फुलाने के काम में लेके आ सकता है, और इस तरह से जैसे वो जो होता है चेंजेस एनिमेट एनिमेशन का बोलोगे तो ये तो हम लोग डायरेक्टली हम लोग की करके हम लोग कर सकते हैं, मगर इसमें क्या फायदा है, इसमें फायदा ये है, अभी सपोज मैंने इसको कर दिया इस डेंस, ठीक है, इसको भी किया इस डेंस, इसको भी किया इस डेंस, अगर मेरे को चाहिए अरे यार मेरा ये काफी लंबा हो गया, उसे मुझे छोटा करना, ये जो तीर जैसा जो मैंने बना दिया, तो ये मेरे पास इसका कॉपी बन गया है, इसका जो डिस्टेंस किया हूँ
इसको अगर मैं छोटा करूंगा तो ऑटोमेटिकली ये भी छोटा हो जाएगा क्योंकि ये इंस्टेंस है। अगर मेरे को ये छोटा चाहिए सामने वाला, देखिए छोटा हो गया। तो इससे क्या है कि एनिमेशन में करेक्शन करना काफी आसान हो जाता है इसको यूज करने से, ठीक है। ये छोटा भी होगा नीचे वाला और हम लोग को पूरा एनिमेशन चेंज नहीं करना पड़ेगा फटाक से। यही तो है तरीका इसे डन। तो समझ में आ गया कि इसका यूज क्या होता है। तो फिर अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए ताकि वो भी जान सके कि हम लोग मॉर्फ का यूज कहाँ पर करते हैं और किस लिए करते हैं और कैसे करते हैं। इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हो आप लोग तो फिर मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए और उसके बाजू के बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।